नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आर्किटेक्ट दोस्ते। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर जो हमारे घर में टाइल्स या पत्थर हम लगवाते हैं तो उसको हम कैसे चेक करें कि वो सही लग रहा है या गलत लग रहा है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो हम अपने घर में टाइल्स या पत्थर लगवा रहे हैं वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। जब हमको ये देखना होता है कि पत्थर सही लगा या टाइल सही लगा, हमारे जो फ्लोरिंग की टाइल वो सही लगा या नहीं लगा, तो हम क्या करते हैं उसको मिला के देखते हैं कि एक जैसा है कि नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए किसी किसी टाइल्स में भी क्रेक होता है, जो फ्लोरिंग टाइल्स होता है वो कहीं बैंड होता है, जो क्या होता है बीच में वो मुँह उसका मिल नहीं पाता, जैसे कि आप इसमें इमेज में देखेंगे। तो इसका चेक करने का सबसे जो आसान तरीका, आप जब चेक करें तो आप इसका जो चारों तरफ का जो मुंह, जो इसका मुंह है उसको मिलाइए कि जो लाइन है चारों तरफ का वो मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ। अगर बीच में से अगर मुंह चारों तरफ का मिला हुआ है और बीच में से कहीं से उठा हुआ भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टाइल से गलत लगा हुआ है, बल्कि इस टाइल में क्रैक सा रखा है इसलिए बीच में से उठा हुआ है। बात करें अगर पत्थर की या ग्रेनाइट की, तो वो लगता है जैसे अगर उसका चारों मुंह भी मिला होता है और बीच में सीमेंट भरने के बाद अगर बीच में उठा हुआ भी होता है तो उस पर क्या होता है घिसाई होता है, तो वो बराबर हो जाता है, वो उसमें छुप जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने फ्लोरिंग टाइल्स, जो हम फ्लोर में टाइल्स लगवाते हैं, तो उसका क्या होता है सभी टाइल्स में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई कोई टाइल्स ऐसा होता है जैसे उसके चारों तरफ का मुँह मिलने के बाद भी बीच में उठा हुआ रहता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो बीच का हिस्सा उठा हुआ है ये टाइल सही लगा है, बल्कि इसमें क्या है कि इस टाइल में क्रेक आ रखा है, बीच में से बैंड है इसलिए उठा हुआ है। इसमें अगर हम सीमेंट को गीला करके भरेंगे तो ये थोड़ा बहुत कवर होगा, लेकिन ये पूरी तरह से ये बराबर नहीं होगा। बात करें अगर टाइल्स गलत लगने की, तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये बाथरूम में टाइल्स लगा हुआ है, ये ऊपर का मुँह तो इसका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, मिला हुआ है, लेकिन आप जैसे ही इसमें नीचे की तरफ देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये गलती यहाँ पे हो रखा है, ये टाइल्स का मुँह बिल्कुल ही नहीं मिला है, इसको ऐसे ही लगा के छोड़ दिया गया है। ये टाइल्स लगाने का ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पर मिलना चाहिए था। आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो आपकी टाइल्स लगी है उसमें चारों तरफ मसाला सही से लगा है कि नहीं, जो सीमेंट होता है वो लगा है कि नहीं, तो आप इसको इस तरीके से बजा के देख सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये टाइल्स सही लगा या गलत लगा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।